वेबसाइट बनाते वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पहला बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, दूसरा बहुत कॉस्टली होता है और आपको बनाना नहीं आता है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर दोनों ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने वाला है। बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही इजी मेथड के साथ, बहुत सस्ते में आपको ये प्रोफेशनल वेबसाइट बना के दिखाने वाला हूँ। दोस्तों ये वीडियो उन दो लोगों के लिए है, पहला तो उन लोगों के लिए जो कि खुद के लिए अपॉइंटमेंट वेबसाइट बनाना चाहते हैं, सेकंड उन लोगों के लिए जो कि वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं और क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं। अगर वो क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाएंगे तो एक वेबसाइट बनाने का उनको 8 से 10 हज़ार रुपये तक मिल सकता है। और मैं आपको इस वीडियो में लाइव प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल के साथ हर एक बात समझाने वाला हूँ। और ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये वेबसाइट हम अगले 20 मिनट के अंदर लाइव डिजाइन करने वाले हैं, हर एक स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन के साथ में, जिससे आपको हर एक चीज़ दिमाग में आराम से समझ में आ जाए। जितनी फोटो दिखाई दे रही है आप रिप्लेस कर सकते हो, जितने टेक्स्ट दिखाई दे रहे आप रिप्लेस कर सकते हो। इस वेबसाइट को कस्टमाइज करना इतना ज्यादा आसान है जैसा किसी फोटो को एडिट करना, जस्ट आपको टच करना है, चेंज कर देना है, दैट्स इट। और आप ये वेबसाइट आपके लिए बना सकते हैं। और यकीन मानिए अगले 20 मिनट के अंदर अगर आपको वेबसाइट बनाना बिल्कुल भी नहीं आता तब भी आप इस वेबसाइट को डिजाइन करना सीख सकते हैं। तो दोस्तों अपॉइंटमेंट वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक डोमेन और होस्टिंग का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी ब्रांड वैल्यू नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं है। अब मार्केट के अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां से आप डोमेन एंड होस्टिंग बाय कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत ज्यादा लोड नहीं डालना वेबसाइट पर, इसीलिए आपको चाहिए एक लाइटवेट, सस्ता और बहुत ही अच्छा होस्टिंग एंड डोमेन। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर जा सकते हैं domainracer.com पे। इनका जो वेबसाइट है आपको बहुत ही सस्ता और बहुत ही पावरफुल होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पर आपको डोमेन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आप देख पाएंगे आपको यहाँ पर SSD के साथ में, मतलब बहुत तेज स्पीड के साथ में 16x फास्टर 16 गुना तेज होस्टिंग मिलने वाली है, मतलब कि जो वेबसाइट की स्पीड होगी वो और भी ज़्यादा तेज होगी। थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे इनके पास जो डोमेन है .com, .in, xyz, .org या फिर जो भी डोमेन आपको चाहिए सारी के सारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और फिलहाल इनका 60% ऑफ चल रहा है SSD होस्टिंग के ऊपर भी। अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे इनके अलग अलग प्लान है। सबसे पहला शेयर्ड होस्टिंग, ठीक है, ये इनका सबसे सस्ता और सबसे पावरफुल, पावरफुल तो नहीं बोल सकते लेकिन सबसे सस्ता और आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप रिसेलर को देखोगे तो यहाँ पर भी आपको अलग होस्टिंग दी गई है, और VPS होस्टिंग सबसे प्रीमियम होस्टिंग है लेकिन थोड़ी सी कॉस्टली ज़्यादा है। अगर आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर फ्री साइट बिल्डर भी मिल जाता है, मतलब कि जो वेबसाइट होगी वो और भी आराम से बन जाएगी। और यहाँ पर बोला गया कि बिकॉज नॉट एवरी वन इज ए वेब डिजाइनर, और ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक वेब डिजाइनर तो नहीं है, आप एक अपॉइंटमेंट वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो देखो हर एक आदमी वेब डिजाइनर नहीं होता, इस बात के लोग रेस्पेक्ट करते हैं, यही बहुत बड़ी चीज़ है। इनका जो पैनल है बहुत ही ईजी टू यूज है, 1 क्लिक इंस्टॉलर है, 1 क्लिक में सारा काम हो जाएगा। उसी के साथ 300x फास्टर स्पीड है, वैसे तो हम देखेंगे कि हमारी वेबसाइट कितनी तेज होती है। और यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम 24/7 आवर्स का एक सर्विस पोर्ट भी मिल जाता है। और नीचे आओगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि इनका वेबसाइट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो हमें यहाँ पर चाहिए होस्टिंग, तो हम क्या करेंगे, वेब होस्टिंग पे क्लिक करेंगे सबसे पहले। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर वेब होस्टिंग में आपके पास अलग अलग होस्टिंग दिखाई गई है। आप एक बार प्लान समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको होस्टिंग बाय भी करके दिखाता हूँ कैसे करने कैसे नहीं, और डोमेन आपको कैसे मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। देखो 59 रुपीज़ पर मंथ के अंदर, मतलब कि आप एक महीने के सिर्फ 59 रुपीज़ दे रहे हो और आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। कितना ज़्यादा सस्ता है आप खुद देख सकते हो। अगर आप पर्सनल लेना चाहते हैं एक एवरेज वेबसाइट के लिए तो आप यहाँ पर 99 रुपीज़ पर मंथ ले सकते हैं। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इनका जो पर्सनल प्लान है वो लेना अपॉइंटमेंट वेबसाइट के लिए। हम कोई और वेबसाइट बनाएंगे तो हम सिल्वर और एडवांस की तरफ जा सकते हैं। इनका जो फीचर्स है आप यहाँ पर पढ़ के देख सकते हैं, आपको मल्टीपल फीचर्स दिए गए हैं। मुझे जो अच्छा लगा है वो है अनलिमिटेड स्टोरेज मिल रहा है SSD के साथ में, उसके बाद अनलिमिटेड ईमेल आईडी मिल रही है। आप आपकी कंपनी के अंदर जितने भी यूजर्स हैं उन सभी के लिए प्रोफेशनल ईमेल आईडी बना सकते हैं। कौन सा वाला, जिसमें @gmail.com ना होने की बजाय आपकी ब्रांड का नेम .com हो। और नीचे देखोगे आपको यहाँ पे बैंडविड्थ अनलिमिटेड मिल जाती है, और यहाँ पर लाइट स्पीड का टेक्नोलॉजी मिल जाता है जो कि बहुत ही फास्ट है। वेल यहाँ पर कोई भी होस्टिंग बाय करने से पहले आपका अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप सबसे ऊपर यहाँ पे जाओगे, लॉगिन पे क्लिक करोगे, और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन कर लेना है आपके ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के साथ में। और अगर आपके पास ईमेल एड्रेस पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ पर लॉगिन करने से पहले रजिस्टर भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको हल्का फुल्का डिटेल डाल के यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। बाकी ये काम जब आप कर लेंगे तो आपको domainracer.com पे जाना होगा, और यहां पर जाने के बाद वेब होस्टिंग पे जाना होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया आपको पर्सनल वाला व्यू मोर पे क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने रजिस्टर ए न्यू डोमेन का ऑप्शन आ गया। अब आप जिस भी डोमेन के साथ में वेबसाइट बनाना चाहते हैं वो आप यहां पे डाल देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे डाल देता हूं डॉक्टर
लाल सिंह, मुझे नहीं पता कि ये वेबसाइट अवेलेबल होगी कि नहीं, फिर भी हम चेक करते हैं डॉक्टर लाल सिंह, और ये जो है अवेलेबल है 649 रुपए के अंदर। तो सबसे पहले आप इसको ऐड टू कार्ट कर दोगे, आपके कार्ट के अंदर ऐड हो जाएगी, राइट। ये करने के बाद में आपको नीचे आना होगा और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ गया है कि भाई आपको यहाँ पे एक वेब होस्टिंग मिल जाएगा, अनलिमिटेड SSD स्टोरेज मिल जाएगा, सारे वो फीचर्स मिल जाएंगे जो कि मैंने आपको पहले बताए थे, और आपको डोमेन भी मिल जाएगा ओनली 1429, मतलब 1500 रुपए के आसपास से सारे के सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, और एक साल के लिए आपकी वेबसाइट टोटल आपकी हो जाएगी डोमेन और होस्टिंग के साथ में। और सही बताऊं तो बहुत ही ज्यादा सस्ता मिल रहा है आपको, आपको इसके अलावा एक भी सिंगल रुपए इन्वेस्ट नहीं करना, और आपकी यहाँ पर अपॉइंटमेंट वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी, वो मैं आपके इस वीडियो में लाइव क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ, जैसा कि स्टार्टिंग में दिखाया था। आप सिंपली कंटिन्यू करोगे और यहाँ पर चेकआउट करके आपका डोमेन एंड होस्टिंग बाय कर लोगे। पेमेंट करने से पहले आपको थोड़ा बहुत डिटेल फिल करना पड़ेगा, ताकि जो बिलिंग एड्रेस है वो आपके नाम पे आपके डिटेल्स के साथ में आ सके, उसके बाद में आप जहाँ से चाहे पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर पेओनीर, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वहाँ से पेमेंट करके इसके डोमेन एंड होस्टिंग को बाय कर सकते हैं। तो लॉग इन हो जाने के बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना, आपको सिंपली ये सर्विसेज टैब दिया गया है यहाँ पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप देखोगे आपका जो भी प्रोडक्ट और सर्विस होगी यहाँ पर ये लोग शो कर देंगे। उसके बाद आपको सिंपली ये जो एक्टिव का बटन दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पे सी पैनल में लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा, आपको सी पैनल पे टच करना है, और यहाँ पर टच करने के बाद में आपकी वेबसाइट का जो भी सी पैनल होगा आपके सामने आ जाएगा। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, ये वो चीज़ है जहाँ पर आपको आपका ऑलमोस्ट डेटा साफ साफ दिखाया जाता है, राइट। ये देखो कितना क्यूट सा इंटरफेस है, मतलब जहाँ पे हर एक चीज़ आपको कैटेगराइज करके दी गई है। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैं जो कह रहा हूँ वो काम करना है। आपको सबसे पहले नीचे जाना है, वर्डप्रेस का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है, और इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद आप जो भी ID पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो आप बना के इसको इंस्टॉल कर लोगे, क्विक इंस्टॉल दबा के वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लोगे। और ये जो ID पासवर्ड है इसको याद रखना, क्योंकि जब तक आपके पास ये नहीं होगा आप वर्डप्रेस पर लॉगिन नहीं कर पाओगे, जिसके बिना हमारी वेबसाइट नहीं बनने वाली। आपको सिंपली यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस डालना है, यहाँ पर आपका एडमिन पासवर्ड डालना है, यहाँ पर एडमिन यूजर नेम डालना है, और जब आप ये तीन काम कर दोगे आपको क्विक इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने ID और पासवर्ड क्रिएट कर लिया है, इसके बाद में सिंपली मैं क्या करूँगा, क्विक इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद कस्टम इंस्टॉल पे क्लिक करने के बजाय नीचे आके मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं ये काम करूंगा मेरा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। और जब आपका यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, ओवरव्यू पे टच करना होगा, ओवरव्यू थोड़ा सा नीचे आओगे, और यहाँ पर आने के बाद में आप देखोगे आपकी जो होस्टिंग है आपको यहाँ पर दिखा दी जाएगी। इसके जस्ट सामने आपको यहाँ पर वर्डप्रेस का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आप यहाँ पर टच कर दोगे, और यहाँ पर टच करने के बाद में आपको लॉगिन पे टच कर देना है। जब आप लॉगिन पे टच करोगे तो आपके सामने वर्डप्रेस का जो होम पेज है वो ओपन होकर आ जाएगा। अब इसको बिल्कुल सिंपल बनाने के लिए सबसे पहले मैं स्क्रीन ऑप्शन पर टच करके जितनी भी चीज़ें हैं इनको अनहाइड कर देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 आपके सामने आपका जो वर्डप्रेस है उसका ऐसा होम पेज आ जाएगा। कुछ नहीं करना, सिंपल आपको जाना है यहाँ पर अपीयरेंस में, थीम्स में, और थीम्स में जाने के बाद में आपको यहाँ पे चार अलग अलग थीम दिखाई गई हैं, आपको ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे जाना है एक्स्ट्रा थीम पर, अगर आपको नहीं मिलती आप सर्च करके देख सकते हैं, सिंपली इसको इंस्टॉल कर लोगे। ये जो वेबसाइट है ना बहुत ही सिंपल सी है, बहुत लाइटवेट है, और बहुत जल्दी बहुत प्रोफेशनल आपकी वेबसाइट बन जाएगी बहुत ही इजी स्टेप्स के अंदर। और जब ये डाउनलोड हो जाएगी सिंपली आपको एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है, और आपकी थीम आपकी वेबसाइट पर एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आप देखना चाहते हैं वेबसाइट कैसे नजर आ रही है, आप यहाँ पर विजिट साइट करके देख सकते हैं, आपकी वेबसाइट फिलहाल के टाइम पे कुछ ऐसी नजर आ रही है। यार ये क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, चलो इसको और आसान बनाते हैं और प्रोफेशनल बनाते हैं। सिंपली आप क्या करोगे, वर्डप्रेस पर जाओगे, और यहाँ पर जाने के बाद में आपको जाना है प्लगइन्स के अंदर, ठीक है। आप गेट स्टार्टेड पर भी क्लिक कर सकते हैं, और जब आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करोगे तो आपके इस एक्स्ट्रा थीम में कुछ ऐसे प्लगइन्स हैं जो कि आपकी वेबसाइट को खुद से बना देंगे, आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है। अभी हमारे जो प्लगइन्स हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं। अब आप क्या करोगे, बैक जाओगे, बैक जाने के बाद में आपको सिंपली प्लगइन्स पर टच करना पड़ेगा, और प्लगइन्स पर टच करने के बाद में आपको यहाँ पे आप देखोगे स्टार्टर टेम्पलेट आ गया है। आपको स्टार्टर टेम्पलेट पे सी लाइब्रेरी यहाँ पर टच करना होगा, और जब आप यहाँ पर टच करोगे तो आपके सामने अलग अलग 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे जो कि आपकी वेबसाइट को खुद से बना देंगे, आपको बनाने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपको सिंपली स्किप करके बिल्ड योर वेबसाइट नाउ पे क्लिक करना है, और एलिमेंटर पे क्लिक कर देना है। टेंशन ना लो, एक भी रुपये नहीं लगने वाला। तो एलिमेंटर के ओपन हो जाने के बाद में सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जिस भी तरह की आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं आपको सर्च करना होगा। जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ डेंटल,
और जब मैंने डेंटल सर्च किया तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट के थीम आ गए हैं, मुझे जो भी पसंद है। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पर ये वाला पसंद आ रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कुछ हल्के फुल्के सेटिंग बताऊँगा, आप देख पाएंगे कि मेरी जो वेबसाइट है कुछ ऐसे नज़र आने वाली है। वाह, कितनी ज़्यादा प्रोफेशनल है ना, मतलब एक क्लिक में ये वेबसाइट आपकी बन जाएगी। यहाँ पर जितनी भी इमेज है आप खुद की लगा सकते हो, जो भी चीज़ एडिट करनी है आपको सिंपली टच करके उसको चेंज करना है। इतना ज़्यादा आसान है एक वेबसाइट को बनाना। अब ये वेबसाइट वाले आपसे कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं। सबसे पहला आपका लोगो, उसको आपको यहाँ पर 180x60 pixels का डालना है। अब ये बनाने के लिए आप यूज करेंगे कैनवा एप्लीकेशन का या फिर कैनवा सॉफ्टवेयर का, मोबाइल में भी चल जाता है और ये कंप्यूटर में भी चल जाते हैं। अब उन्होंने बोला 180x160 कस्टम साइज पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पर कस्टम साइज में आप डालोगे 180x160, ठीक है। और ये करने के बाद में आपको यहाँ पर जो भी आपका लोगो है आपको एक क्लिक में यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना होगा। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आपका जो लोगो है वो यहाँ पर हम यही लगा लेते हैं, मोटोरोला वाला हम मान लेते एक बार इसको, तो आपको इसको पूरी स्क्रीन में फिल कर देना है। ध्यान रखना कोई स्पेसिंग नहीं छोड़नी, क्योंकि अगर आप स्पेसिंग छोड़ोगे तो फिर ये अच्छा नहीं लगेगा आपकी वेबसाइट पर। तो मैंने इसको सेट कर दिया। इसके बाद आप इसको सिंपली डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड कर लेने के बाद में आपको वापस से जाना होगा आपकी वेबसाइट पर, और वेबसाइट पर जाने के बाद में अपलोड फाइल पर क्लिक करके आपको आपका जो लोगो है यहाँ पर इंपोर्ट कर देना है। और जैसे आप इंपोर्ट करोगे, आपको इंपोर्ट कर देने के बाद में इसको सेलेक्ट करके इसको ओके कर देना है। मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे हमारी वेबसाइट का लोगो चेंज हो चुका है। वाह, कितना ज़्यादा आसान था ना। अब आप चाहो तो इसको छोटा बड़ा जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, मुझे यहाँ तक ठीक लग रहा है। ओके, उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको वेबसाइट पर कौन सा कलर थीम चाहिए आप वो भी चेंज कर सकते हैं। वो देखो रेड हो गया, वो देखो पिंक हो गया, यहाँ पर देखो वो और लाइट पिंक हो गया, यहाँ पर येलो हो गया। तो जो भी कलर थीम आपको अच्छा लगता है वो आप पिक कर सकते हो। आपको आपकी वेबसाइट पर कौन से फॉन्ट चाहिए वो भी आप एक क्लिक में यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो वाओ, पूरी जो वेबसाइट है वो एक क्लिक के अंदर ही चेंज हो जा रही है। एंड कंटिन्यू कर दोगे। कंटिन्यू करने के बाद आपका जो पहला नाम है आपके डॉक्टर का या फिर जिस भी चीज़ का, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। लाइक मेरा नाम हवा है, मैं ऐड कर देता हूँ। योर वर्क ईमेल ऐड कर देता हूँ। आई एम बिल्डिंग वेबसाइट फॉर, आप खुद के लिए बना रहे हैं माईसेल्फ ऐड करो, किसी के लिए बना रहे हैं क्लाइंट ऐड करो। आई एम ए बिगनर एंड स्मार्ट, सबमिट योर वेबसाइट। जैसे आप ये काम करोगे आपकी वेबसाइट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी एंड विद इन 2 to 3 minutes आपकी वेबसाइट आपके सामने बनके रेडी हो जाएगी। उसके बाद जहाँ पर आप एडिट करना चाहते हैं जिस भी चीज़ को, सिंपली वहाँ पर टच करो, एडिट करो एंड दैट्स इट, आपकी वेबसाइट रेडी है। फिर भी एक चीज़ तो आपको करनी पड़ेगी, वो भी आपके हाथों से, वो है अपॉइंटमेंट बुकिंग। जो करवाते हैं आप वो कैसे करवाएंगे, वहाँ पर एक पर्टिकुलर प्लान लगाना पड़ेगा जिसमें कोई बंदा अगर बुक एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक करता है तो उसके सामने कैलेंडर आ जाएगा, टाइमिंग आ जाएगी। वो आप कैसे सेट कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी देर में जानेंगे जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दो, ये जो काम फिलहाल कर रहे हैं ना, वी आर बिल्डिंग योर वेबसाइट, अगर ये काम आप हाथों से करना चाहोगे तो एक वेबसाइट बनाने में कम से कम यहाँ पर 6 से 7 दिन लगते हैं और आपका ये काम यहाँ पर 2 से 3 मिनट में ही हो जाएगा। तो ये लो जी, हमारी वेबसाइट बनके तैयार हो गई है। सिंपली मैं करूँगा व्यू योर वेबसाइट और आप यहाँ पर देख पाएंगे हमारी वेबसाइट को कि वो बनके कैसी तैयार हुई है, जो कि सीरियसली माइंड ब्लोइंग होने वाली है। वाओ यार, ये है हमारी वेबसाइट जो कि उन्होंने 10 मिनट में बनाई है। यहाँ पर बिल्कुल प्रोफेशनल लुक है, हमारा लोगो है, होम, अबाउट, सर्विसेज, टेस्टिमोनियल, कॉन्टैक्टर्स, मेक एन अपॉइंटमेंट, यहाँ पर आपकी फोटो आ जाएगी डॉक्टर की, यहाँ पर आप जो कुछ भी लिखना चाहते हैं वो आ जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे मेक एन अपॉइंटमेंट, और यहाँ पर आपने कहाँ कहाँ पर काम किया है और आपकी सारी फैसिलिटीज, योर लोकेशन और मेन सर्विसेज, आपके एम्प्लॉयज, रेटिंग, आपकी गूगल मैप, जितनी भी चीज़ें एक वेबसाइट पर होनी चाहिए हमने सिर्फ 10 मिनट में यहाँ पर एडअप कर दिए हैं। आपके सभी डॉक्टर्स और यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स, एंड साथ ही में अगर आपका कोई न्यूज़ लेटर है तो उसके लिए सब्सक्राइब भी आप एक क्लिक में यहाँ से करवा सकते हो। और आप यकीन नहीं मानोगे, इस वेबसाइट को बनाने में मैंने कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाया। हाँ, होस्टिंग एंड डोमेन तो बाय करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको डोमेन और होस्टिंग का टेंशन लेने का रिक्वायरमेंट भी नहीं है। मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसा मेथड बताने वाला हूँ जिसके जरिए जो वेबसाइट 10 से 15 हज़ार रुपये की बनती है, आपकी वेबसाइट सिर्फ यहाँ पर 1000-2000 रुपये के अंदर ही बन जाएगी। अब यार, आपको इतना प्रोफेशनल वेबसाइट चाहिए तो आपके पास डोमेन और होस्टिंग तो होना जरूरी है ना, अदरवाइज वो प्रोफेशनल कैसे बनेगी। जब आपका जो पेज है यहाँ तक डिजाइन हो जाएगा, आपको क्या करना है, यहाँ पर एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर देना है। जब आप ये करोगे तो इसको क्लिक करने के बाद में इस वेबसाइट पर कोई भी चीज एडिट करनी है, उस हर एक चीज को एडिट करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। मतलब कहाँ पर आपको फोटो रिप्लेस करना है, कहाँ पर आपको टेक्स्ट रिप्लेस करना है, आपको जो काम भी करना है जस्ट वहां पर टच करो, उसको रिप्लेस करो, आपका फोटो इस वेबसाइट में इंटीग्रेट हो जाएगा। कोई यहाँ पर कोडिंग नहीं करनी, कोई भी दूसरा काम नहीं करना। जैसे कि मेरे को यहाँ पर चेंज करना है, वी विल इंश्योर यू यू ऑलवेज गेट द बेस्ट रिजल्ट। आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर जो कुछ भी लिखना है, फॉर एग्जांपल वी आर द बेस्ट, ठीक है, वी आर द बेस्ट।
आप यहाँ पर ये चीज लिखोगे और ये एडिट हो जाएगी, और ये एडिट होने के बाद आपको सिंपली सेव बटन पे क्लिक कर देना अपडेट पे और आपकी वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा। फोटो चेंज करना है, फोटो पे क्लिक करो, और फोटो पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इमेज साइज पे क्लिक करके आप फोटो को भी रिप्लेस कर सकते हो जो फोटो आपको अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस डॉक्टर का फोटो लगा देता हूँ, इंसर्ट मीडिया कर देता हूँ। आप देखेंगे हमारी वेबसाइट पर इस लड़के का फोटो आ चुका है। वाओ यार अमेजिंग, मतलब इतना ज़्यादा ईजी है इस वेबसाइट के ऊपर कोई भी चीज़ को चेंज करना। अभी आप कैसे करोगे ये तो मैं नहीं बताने वाला, मेन चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है। अब हमारी वेबसाइट कैसी नज़र आ रही है वो तो आपने देख ही ली है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, देखो पहले ऐसी थी और अब ये बन चुकी है कुछ ऐसी। लेकिन हमारी जो वेबसाइट है ना, यहाँ पर ये जो मेक एन अपॉइंटमेंट वाला बटन है फिलहाल ये काम नहीं कर रहा है। इसको काम करवाने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से हम जाएंगे हमारा जो वर्डप्रेस है उधर ही, और वहाँ पर जाके हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पर जाना होगा प्लगइन्स में, और जो प्लगइन मैं बताने वाला हूँ अब इसके बारे में आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा। मैं यहाँ पर इंस्टॉल प्लगइन के बजाय ऐड न्यू पर क्लिक करता हूँ। एड न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं एक प्लगइन सर्च करता हूँ, दैट इज बुकली, ठीक है, BOOKLY। ये आप जब सर्च करेंगे तो आपके सामने ये जो टेम्पलेट आ रहा है, ये जो आपके पास प्लगइन आ रहा है, इसको आप इंस्टॉल कर लोगे। गाइस जब तक ये प्लगइन डाउनलोड हो रहा है मैं एक बात बता देता हूँ, कुछ फीचर्स लिमिटेड है इसके अंदर भी। जी हम एक फ्री प्लगइन यूज करने वाले हैं, अगर आप इनका पेड वर्जन यूज करोगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बाय करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले वेबसाइट बनाना सीख लो, एक वेबसाइट बनाकर उसमें जब ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा तब आप इनका प्रो वर्जन ले सकते हैं। फिलहाल इसको मैं सिंपली एक्टिवेट करता हूँ। एक्टिवेट करने के बाद में आप देखेंगे आपका जो वर्डप्रेस का होम पेज है यहाँ पर आपको बुकली का सेक्शन दिखा दिया गया है। आप यहाँ पर इनिशियल सेटअप करोगे, और इनिशियल सेटअप में जाने के बाद आपको यहाँ पर कुछ बहुत ही सिंपल से स्टेप्स दिए जाएंगे कि भाई आपका जो ऑफिस है, आपका जो हॉस्पिटल है वो कब कब ओपन रहता है, कंपनी की डिटेल डालनी है, स्टाफ की डिटेल डालनी है, सर्विसेज एंड डन कर देना है। आपका जितना भी चीज़ आप यहाँ पर डालोगे वो आपके बुक एंड अपॉइंटमेंट बटन के ऊपर चला जाएगा। लेकिन उसके लिए एक थोड़ा सा स्टेप और करना पड़ेगा, मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। लाइक कंपनी नेम जो है वो मैं कम्फर्ट अर्निंग डाल देता हूँ। इंडस्ट्री किस चीज़ की है भाई, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ लाइक चाइल्ड केयर या फिर कोई भी, तो यहाँ पर भी कुछ भी डाल दो। फिलहाल तो हम कुछ भी, मतलब कुछ भी यहाँ पर हम डाल देते हैं। डेंटिस्ट। कंपनी साइज क्या है भाई, 10 से 20 एम्प्लॉयज का। कंपनी ओनर ईमेल आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। कंटिन्यू। स्टाफ के अंदर कौन कौन रहेगा भाई, जैसे कि भाई एक तो रहेगा हवा, ठीक है, और हवा का ईमेल आईडी रहेगा HS007951, और उसका मोबाइल नंबर रहेगा ये। कंटिन्यू, ठीक है, ये मोबाइल नंबर डालना ही पड़ेगा भाई, 9999999999। कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद कह रहा है टाइटल, भाई टाइटल क्या डालना है, ड्यूरेशन क्या डालना है, आप आपके हिसाब से इसको स्किप भी कर सकते हो, अपने हिसाब से आप एडअप करते चलना। अभी किस सर्विस के अंदर काम करता है, ठीक है, इसका जो सर्विस है वो क्या है, डॉक्टर है, नर्स है, वेटर है, या फिर कुछ भी होता है, आपको यहाँ पर सर्विस ऐड कर देनी है कि वो पर्टिकुलर बंदा किस सर्विस के अंदर काम करता है। अगर आपके सामने पॉपअप आता है तो आपको इसको एग्री भी कर देना है, क्योंकि आपकी वेबसाइट के ऊपर एक अलग ही प्लगइन हमने एक्टिवेट किया है तो आपको इसको अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है, इसको छोटा कर देता हूँ। अभी आप देखिए यहाँ पर अलग अलग आपके पास टाइम सेट कर दिया गया है, बुक दिस पेज एट बुकली प्रो डेमो, आपके पास ये सब दिखाया गया है। वेल देखो यहाँ पर आपको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी, आपको बुक एन अपॉइंटमेंट बटन को एक्टिवेट करने के लिए सिंपली वहाँ पर जाना होगा जहाँ पर आपके पास एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन आ रहा था, या फिर आप चाहे तो आप प्लगइन्स में जाके वहाँ से भी जा सकते हैं एलिमेंटर के थ्रू। यहाँ पर आने के बाद आपको एक न्यू पेज क्रिएट करना है। यहाँ पर पेज आपको बटन दिखाई दे रहा है, इस पेज पे क्लिक करना है, और पेज पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक नया पेज ही ओपन होके आ जाएगा, जैसा कि फिलहाल हमारे सामने आ चुका है। और यहाँ पर आने के बाद में करना क्या होगा ना, सिंपली आपको एड टाइटल के अंदर बुक अपॉइंटमेंट यहाँ पर बस कुछ ऐसा टाइप कर देना है, अपॉइंटमेंट, और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, कुछ भी सिंपली आपको इसके लास्ट में जाना है प्लस के आइकन पे, और यहाँ पे आपको सर्च करना है, मैं इसको हटा देता हूँ, मेरी फोटो को कुछ ज़्यादा ही बड़ी आ रही है, छोटा हो जा भाई, बिल्कुल साइड में हो जा, बुकली, इस पर टच कर देना है, सिर्फ इतना काम करना है, एंड यहाँ पर आपको इसको पब्लिश कर देना है। ठीक है, इसको हम पब्लिश कर देंगे। साथ ही में इस पेज को हमें इंटीग्रेट करना है बुक अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन पे, तब क्या करोगे, यहाँ पर इसको कॉपी करोगे, और कॉपी करने के बाद में आपका जो वेबसाइट है एलिमेंटर पर आप बैक जाओगे, बैक जाने के बाद में एडिट विद एलिमेंटर करोगे, और जहाँ जहाँ पर आपको मेक एन अपॉइंटमेंट का ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करके इसमें उस लिंक को इंटीग्रेट कर देना है, ताकि जैसे ही कोई बंदा इस लिंक पर टच करेगा उसके सामने एक पेज ओपन हो जाए। वो करने के लिए क्या करोगे, जब एलिमेंटर ओपन हो जाएगा आपको बुक एन अपॉइंटमेंट वाले बटन को टच करना है, जैसे फिलहाल मैं करता हूँ यहाँ पर टच। यहाँ पर एक हैज का लिंक दिया गया है, इसको आप हटा के वो लिंक पेस्ट कर दोगे।
सेम टू सेम यहाँ पर भी जहाँ जहाँ पर आपको बुक एंड अपॉइंटमेंट का ऑप्शन दिया गया है, हमारे पास और नीचे देखते हैं, ठीक है एक ही जगह पर था, एक यहाँ पर है, यहाँ पर भी आपको बुक एंड अपॉइंटमेंट वाले बटन पर क्लिक करके और इसको अपडेट कर देना है। जब भी अपडेट हो जाएगा, अब हम देखते हैं हमारी वेबसाइट को। मैं वापस से गया वेबसाइट पर और mydoctor.com पर, मिस्टर डॉक्टर पर, और जब यहाँ पर जाने के बाद मैं मेक एन अपॉइंटमेंट बटन पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख पाएंगे मेरे सामने एक कंप्लीट पेज ओपन होके आ गया है। ये देखो, सेलेक्ट कैटेगरी, किस कैटेगरी के पर्सन को बुक करना चाहते हैं, डेट क्या रखना चाहते हैं, टाइम क्या रखना चाहते हैं, फिनिश कब तक रखना चाहते हैं, आप सर्विस सेलेक्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉय कौन रहेगा, जिसमें आप टाइम डिटेल्स पेमेंट्स एंड डन, ये सारा का सारा काम आप कर सकते हैं एंड दैट्स इट। एंड एट द एंड मैं एक बात बोल सकता हूँ कि आपका एक प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट हो चुका है, जहाँ पर आपके पास सभी वो चीज़ें हैं जो कि एक प्रोफेशनल वेबसाइट पर होनी चाहिए।